क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं सुने हैं ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेगा, यानी मैक्सिमम लोगों ही पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है, क्रेडिट कार्ड का यूजेस क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा और एक वीडियो मैं ले आऊँगा जहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊँगा, आखिर में क्रेडिट कार्ड है क्या चीज़, क्रेडिट कार्ड का आखिर में यूजेस क्या है, आखिर में क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करते हैं इनके ऊपर। तो इस वीडियो का मेन मकसद क्रेडिट कार्ड नहीं है, इस वीडियो का मेन मकसद है UPI। जी हाँ, RBI की तरफ से UPI के ऊपर एक नया नियम जारी कर चुका है, जारी हो चुका है, जिनके ऊपर मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, इस वीडियो पे पूरा डिटेल के साथ दिखाऊंगा और क्या है वो नियम, कैसे आप उस नियम के अंदर आ सकते हो, सब कुछ मैं इस वीडियो पे क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए अगर आपको पता नहीं, अगर आपको पता करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, किसी भी जगह पे स्किप ना कर करें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाते हैं, जो आखिर में आपको जानना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, रियल टेक अगर बात करते हैं क्रेडिट कार्ड है क्या चीज़, तो इस जगह पे मैं एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड एक लोन जैसे ही काम करते हैं। यानी अगर आप कोई भी बैंक से, कोई भी NBFC कंपनी से लोन लेते हो, तो लोन जिस तरह से आपको चुकाना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड भी कुछ इस तरह से ही रहते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ बैंक की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं एज अ लोन, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद थोड़ा दिन बाद आप चुका सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का टाइम रहता है 40 डेज, 45 डेज, 35 डेज, कुछ इस तरह से टाइम पीरियड उनके अंदर चुकाना पड़ता है। और कुछ इस तरह से आपको पता होगा शायद कि UPI का यूजर्स क्या है, यानी आप लोग बहुत ज़्यादा UPI को यूज़ करते हो, यानी UPI के थ्रू आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो, किसी से भी पैसा ले सकते हो, ये सब आपको पता होगा। और UPI का यूजर्स दिन पर दिन ग्रो हो रहा है, यानी पहले जितना लोग UPI को यूज़ करते थे आप उससे भी ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा UPI का यूजर्स बढ़ चुके हैं। और कुछ ही इस तरह से ही UPI का यूजर्स का इम्प्रूवमेंट देख कर ही RBI ने सारे बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर बैंक चाहे तो प्री अप्रूव्ड UPI क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं। यानी अगर कोई भी बैंक चाहते हैं उनके ग्राहकों को UPI का प्री अप्रूव क्रेडिट लिमिट, यानी अगर यूजर का बैंक के अंदर कोई भी पैसा नहीं है तो भी वो UPI के थ्रू किसी भी मर्चेंट पे अपना पैसा या फिर अपना पेमेंट कर सकते, बैंक के अंदर कोई भी पैसा ना रहने पर भी। यानी अगर सीधे से बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के यूजेस क्या है, क्रेडिट कार्ड का मतलब है क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ बैलेंस रहते हैं। अगर आपका बैंक के अंदर कोई भी पैसा नहीं है लेकिन आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर उस ज़रूरत को मिटा सकते हैं, यानी उस यूजेस को आप पूरा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ही क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी लिमिट मिलते हैं वही सेम लिमिट मिलेगा आप UPI के ऊपर, यानी UPI के थ्रू आप किसी भी मर्चेंट पे पेमेंट कर सकते हो अगर आपका बैंक के अंदर कोई भी पैसा नहीं भी है तो भी। और ये जो लिमिट मिलेगा, ये लिमिट कितना मिलेगा, इनके कोई भी श्योरिटी नहीं है। यानी हो सकते ये लिमिट 10,000 मिले, हो सकते ये लिमिट 1,00,000 मिले, हो सकते ये लिमिट 10,00,000 भी मिले। ये लिमिट डिपेंड करेगा आपका बैंक के ऊपर, यानी आपका कौन सा बैंक के अंदर अकाउंट है और आपका बैंक के अंदर कितना मिनिमम बैलेंस रहता है उनके ऊपर ही बैंक आपको प्री अप्रूव्ड UPI क्रेडिट लिमिट देगा। और इसको यूज़ कर कर भी आपका यूजेस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर में UPI का क्रेडिट लिमिट लेकर होगा क्या। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेते हो तब के आप ये सोचते हो कि क्रेडिट कार्ड लेकर मैं करूँगा, कुछ इस तरह से ही UPI का भी सेम यूजेस है। यानी आप जैसे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो आपका ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कुछ इस तरह से ही UPI क्रेडिट लिमिट को भी आप यूज़ कर सकते हो आपका ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन ये बात आप मत सोचना कि जो भी आपको लिमिट मिलेगा UPI क्रेडिट लिमिट उसे आप नहीं दोगे। अगर आप आपका क्रेडिट लिमिट को यूज़ करने के बाद नहीं देते हो बैंक को, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा और बैंक अगर चाहे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के केस पे होते हैं। और ये जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलते हैं ये 30 दिन तक, यानी 30 दिन तक अगर आप पैसों को पेमेंट नहीं भी करते हो तो भी आपको
कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं होगा, लेकिन 30 दिन बाद आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के अंदर होते हैं 45 डेज का टाइम पीरियड, यानी 45 डेज के अंदर आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगते। कुछ इस तरह से ही UPI क्रेडिट लिमिट अगर आपको मिलते हैं तो भी आपको वो यूज़ करने के लिए दे जाएगा, और वो जो चुकाने का टाइम पीरियड रहेगा 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आपको वो जो लिमिट आपने यूज़ किया है वो लिमिट को आपको चुकाना है पूरा, ताकि आपके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे। और कुछ इस तरह से ही कुछ कुछ बैंक के ऊपर ये जो UPI क्रेडिट लिमिट का फैसिलिटी ऑलरेडी चालू कर चुका है, जहाँ पे HDFC बैंक ऑलरेडी UPI क्रेडिट लिमिट का फैसिलिटी चालू कर दिया है, जहाँ पे अगर आपका HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप अगर चाहते हो तो UPI क्रेडिट लिमिट या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप ले सकते हो HDFC बैंक का। लेकिन अगर बात करें दूसरे बैंक, तो दूसरा जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी सरकारी बैंक, उन सभी बैंक के अंदर अभी ये लागू नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक के अंदर ही ये लागू हुआ है। आशा करते हैं इन फ्यूचर सारे बैंक के अंदर ही लागू होगा, लेकिन ये एक बहुत एक अच्छा खासा फीचर हो सकता है आपके लिए अगर आप UPI को यूज़ करते हो, अगर आप डेली यूजेस करते हो तो। क्योंकि जब भी आप आपका यूजर्स ज़्यादा करोगे तभी बैंक का ही फायदा होगा और आपका भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब भी आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। और अगर आपको UPI क्रेडिट लिमिट मिलते हैं तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, 30 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा चुकाना होगा, जितना भी आप खर्च करोगे, चाहे वो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना चाहो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन जितना आप खर्च करोगे उन सभी अमाउंट को आपको विदिन 30 डेज आपको चुकाना होगा। तो ये जो अपडेट था, ये जो डिटेल्स था, मैं जितना हो सके उतना बताने के लिए कोशिश की, आशा करती है जरूर मैं एक्सप्लेन किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे वीडियो।